तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो किस तरीके से अपने घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हो, बिना आधार सेवा केंद्र जाए या सीएससी सेंटर जाए। आप जो है अपने घर बैठकर ही ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप से एड्रेस को चेंज कर सकते हो, और किस तरीके से कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप जो है घर बैठे ही बिल्कुल आसान से तरीके से मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हो, जिसके ऑनलाइन आपकी फीस जो है 50 रुपये लगेगी। वो ऑनलाइन फीस आपकी 50 रुपये लगने के बाद आपका एड्रेस जो है चेंज हो जाएगा, और किस तरीके से आपका जो प्रोसेस रहने वाला है उसे जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी के साथ वीडियो सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप में एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और आपको उस पर सर्च मारना है SSUP, ये लिखकर आपको सर्च कर लेना है। पहला ही लिंक आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं SSUP UIDAI का, माय आधार का पोर्टल का। तो इसी के ऊपर हमें जो है क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप माय आधार के पोर्टल पर इस तरीके से आ जाएंगे, और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड की जो है बहुत सारी सर्विस दे रखी हैं, जहाँ से आप इनका अच्छे से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको अपडेट कराना हो आप यहाँ से करा सकते हैं। तो हमें आधार अपडेट कराना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पोर्टल पर जो है लॉगिन होना होगा, और लॉगिन के लिए साइड में ऑप्शन दे रखा है लॉगिन का, इसके ऊपर जो हमें क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन होने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, जो आपका आधार नंबर है, और ये कैप्चर कोड जो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद लॉगिन विथ OTP पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको OTP आएगा, आप OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी सर्विस दे रखी हैं, और आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना है तो आपको जो कौन सी सर्विस में से लेनी है वो कुछ वीडियो में बताता हूँ मैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं एड्रेस अपडेट का ऑप्शन, इसी के ऊपर जो है हमें क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन का और हेड ऑफ़ फैमिली, यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हेड ऑफ़ फैमिली से भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है अपडेट आधार वाले ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपको शो होगा, यहाँ प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करें नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने मिलते हैं, यहाँ पे जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये जो है UID तरफ से बंद हो गए हैं, ये सब नहीं खुलते हैं। इसमें केवल एड्रेस का ऑप्शन खुला हुआ है जो अनलिमिटेड है, इसकी नो लिमिट दे रखी है यहाँ पे, इसको जितनी बार आप चेंज करना चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है हमें क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एड्रेस वाले हमें, तो उसके बाद नीचे दे रखा है प्रोसेस टू अपडेट आधार, इसके ऊपर जो है हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो करंट एड्रेस है वो सारा का सारा यहाँ पे शो होगा आपको, जो आपका आधार पे इस समय अवेलेबल मतलब कि चढ़ा हुआ एड्रेस है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपको उसमें अपडेट करना है तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रखा है डेट ऑफ अपलोड, यहाँ पे केयर ऑफ में आपका, केयर ऑफ में आपको क्या देना चाहता है, अपना फादर नेम देना चाहता है, आपको यहाँ पर फादर नेम देना होगा क्योंकि केयर ऑफ में हमारे फादर का नाम आएगा। तो आपको यहाँ पर फादर नेम दे देना है, जो जिसका जो भी जैसे भी हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और नीचे देख सकते हैं आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप ऊपर इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ पे हिंदी में जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डाल देना आपको हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, जो भी आपका है अपने तरीके से आपको डाल देना है, और हिंदी में ऑटोमेटिकली आता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आता है स्ट्रीट, रोड, लाइन, आपकी जो भी हो वो आपको भर देना है, और यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आता है एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे भर देना है, हिंदी में ऑटोमेटिक आएगा। और लैंडमार्क आपका जो भी पड़ता है वो लैंडमार्क आपको यहाँ पे भर देना है, जो भी आपका लैंडमार्क है। उसके बाद आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है। उसके बाद ये पिन कोड डालते ही नीचे की जो सारी ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब इसमें जो ऑप्शन नहीं फिल है वो आपको फिल करने में, जैसे विलेज, टाउन हो गया, सिटी हो गया, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने की आपकी कौन सी सिटी है, तो आप यहाँ से चुन लेंगे इस तरीके से हमने लिया। और पोस्ट ऑफिस आपका जो पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस आपको इसमें से चुन लेना है, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस पड़ता हो आपके एरिया का। उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, आपको इसमें डॉक्यूमेंट लगाना है प्रूफ के तौर पर, एड्रेस चेंज कराना है आप क्या डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो। यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जैसे वाटर बिल हो गया, वोटर आई डी कार्ड हो गया, यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, आप जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। SS सर्टिफिकेट हो गया, राशन कार्ड हो गया, PDF हो गया, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट्स हो गए, मतलब जो भी आप इसमें से देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट हो गया, गवर्नमेंट कार्ड हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बैंक अकाउंट पासबुक हो गई, मतलब जो भी आप इसमें से देना चाहते हैं वो अपने हिसाब से इसमें से चुन लेंगे।
और चुनने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो हमने चुना है इसकी हमें एक फोटो डालनी पड़ेगी नीचे ऑप्शन का डॉक्यूमेंट अपलोड का, इसको क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको उसकी फोटो अपलोड कर देनी है, जिस तरीके से हमने कर दी अपनी। यहाँ पर फोटो यहाँ पे शो हो रही है हमारी 100% सक्सेस भी। अब यहाँ पे कर देंगे हम नेक्स्ट। अब जैसे आप इसमें नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके जो एड्रेस आपने चेंज कराया है वो सारे सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें कुछ आपका गलत है तो आप जो है अभी यहाँ पे इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एडिट का, आप इस पर क्लिक करके जो आपकी गलत है कोई चीज़ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी सब कुछ ठीक है तो आपको दोनों ये कंसेंट देने हैं और दोनों कंसेंट देने वाला आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर करेंगे यहाँ पर आपको जो है 50 रुपये चार्ज लगेंगे। 50 रुपये चार्ज देने के लिए आपको जो है इसमें से ऑनलाइन तरीका चुन लेना है। पहले कंसेंट देंगे, उसके बाद को जिस तरीके से आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से चुन लेंगे, जिस तरीके से हमने चुना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे। नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, वॉलेट से देना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से, UPI, जिस तरीके से भी आप इसमें पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन अपना चुन लेंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको ये रिसिप्ट मिल जाएगी, आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। यहाँ पे आपको एक SRL नंबर मिलेगा जिससे कि आप अपने आधार कार्ड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड जो है स्टेटस चेक हुआ है, चेंज हुआ के है नहीं। आप जो है यहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस स्लिप को आपको रख लेना है, SRL नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी कैसे लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इसमें अपडेट होने कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब अगली वीडियो हमारी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली।